ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हम साफ कर रहे हैं सोलर पैनल। पहले हम हल्के हल्के साफ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एच टू एच क्लियर करेंगे। ये देखिए, अब हम आ गए हैं बड़े वाले पैनल पे। अब इसको करेंगे, ये देखिए, जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे कपड़े को हाथ में रख के, चाहे इस तरीके से, है ना। ये देखिए काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पा रहा है। बाकी इसके ब्रशेस भी आते हैं, ब्रशेस से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा सफाई का फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिए इस तरीके साफ़ कर रहे हैं और ये काफ़ी साफ़ हैं, इससे ज़्यादा बहुत अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चमचमा गए हैं हमारे सोलर पैनल्स। ये वाला अभी चल रहा है, इस पर काम अभी करूँगा। ये वाला पूरा डस्टी है, इसको भी अभी करेंगे। ये देखिए एच टू एच क्लियर हो गया है। जो ये वाली है इसको मैंने ऐसे कर दिया, कहीं ना कहीं अब ये अच्छे से साफ़ हो गए, बिल्कुल चमचमा गए हैं पैनल। अब इस वाले का नंबर आ गया है तो इस वाले को भी कर देते हैं भाई प्रॉपर। मैं इस तरीके से अपना वाइपर से कर रहा हूँ, आपको जो भी कपड़ा वाइपर जो भी सही लगे उससे कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है पैनल साफ़ हो जाए किसी भी तरीके से, बस। ये देखिए इस पर जो डस्ट थी वो चिपक गई थी, इस पर डस्ट चिपक गई थी, ये कर दिए हैं लगभग ऑलमोस्ट, इस तरीके से है पूरा क्लीन कर दिए हैं। अब इसको करने के बाद इसको छोड़ देंगे, अपने आप ही साफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल नए वाले पैनल वो अच्छे साफ़ हो गए, दूसरे पैनल भी अच्छे साफ हो गए। मैंने सिर्फ पानी से साफ़ कराया, किसी प्रकार का कोई केमिकल, कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं करा है, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। एम्पियर आराम से 17 से 20 एम्पियर आराम से इन बड़े पैनल से अब मेरे आ जाएंगे, और इनसे 7 से 7.5 एम्पियर इन वाले पैनल से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।